लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में 12 मई को चुनाव होने हैं। चुनाव के ऐलान के बाद से सियासी दल प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। शिरोमणि अकाली दल भी हरियाणा में अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हरियाणा में बीजेपी से राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी सिरसा में 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों को बीच में जाकर सरकार की नीतियां बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो 1 साल पहले अपने चुनाव की शुरुआत कर दी थी, देश में भी और प्रदेश में भी। हमारा सबसे बड़ा संगठन काम होता है बूथ इकाई का। बूथ इकाई शक्ति के अंदर उसकी यूनिट तैयार करनी, उनको कार्यकर्ताओं को काम पे लगाना। उस प्रकार की हमने मोटरसाइकिल रैली, बाइक रैली, पद यात्राएँ, तो उस प्रकार के कार्यक्रम लगातार हमारे चल रहे थे। और अभी 9 मार्च को रोहतक के अंदर हमारी प्रदेश कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसके अंदर हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और सुभाष बराला जी और सारी टीम ने बैठ कर निर्णय किया कि 10 मार्च से लेकर और 20 मार्च तक 10 दिन के अंदर एक महासंपर्क अभियान चलाएंगे। लगभग 50 लाख लोगों से सीधा संपर्क करेंगे और उसमें प्रत्येक लोकसभा में हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे संगठन के लोगों की जिम्मेवारी लगाई गई है। और उसी कड़ी के तहत सरसा लोकसभा की जिम्मेवारी मेरे को दी गई है और 2 दिन मैंने लगातार फतेहाबाद में प्रवास किया। आज मैं यहाँ सरसा में पहुँचा हूँ और 2 दिन का प्रवास मेरा लगातार सरसा में रहेगा। और लोगों से जाकर हम सीधे 5 साल के केंद्र की नीतियाँ और सरकार की योजनाएं और 4.5 साल की हरियाणा सरकार की मनोहर लाल जी की नीतियों को लोगों के बीच लेकर जाएंगे। उनको चर्चा करेंगे और चर्चा ही नहीं करेंगे, देश की मजबूती और राष्ट्रवाद के लिए देश की लोकतंत्र की व्यवस्था ठीक रहे, भाई भतीजावाद से ऊपर हमने काम किया है, परिवारवाद और क्षेत्रवाद से उठकर हमने काम किया, पारदर्शिता के साथ पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दिया है, किसानों को उनकी फसलों का बेस की जहां मुआवजे देने की बात है वहां किसान की माली हालत सुधरे उसके लिए 2000 रुपये जो केंद्र ने दिए हैं उसके साथ साथ 2000 रुपये हमने 6000 रुपये हमने भी हरियाणा की सरकार ने 12000 रुपये वार्षिक किसान की मदद करने का काम किया। अनुजाति वर्ग के लोगों के सिर पर छत हो, टपरीवासी लोगों के सिर पर छत हो, उस प्रकार की योजनाएं बनाई, पिछड़े वर्ग के लोगों को कल्याण की हित की बहुत सी योजनाएं बनाई, उन सबको लेकर जनता के बीच में जाने का हमारा ये अभियान है। और इसके साथ साथ पारदर्शिता के साथ चुनाव लड़े, ईमानदारी के साथ चुनाव लड़े, किसी धन्ना सेठ के और बड़े उद्योगपतियों के पार्टी गिरवी न रहे, क्योंकि आज उनके पैसे से चुनाव लड़ेंगे तो वो लोग कल को अपने प्रकार की नीतियाँ बनाने की बात करते हैं। इसलिए हमने तय किया कि जनता के बीच में जब जाएंगे तो उन लोगों से आर्थिक सहयोग की भी हम अपील करेंगे। और आज मैं उसी कड़ी में आया हूँ और बहुत से कार्यक्रम आज व्यस्त रहने वाले हैं, लगातार कार्यक्रम पूरी देर रात तक रहेंगे। तो मैं जहाँ लोगों से फिर एक बार मोदी सरकार की अपील करने जा रहा हूँ वहाँ पर लोगों से आर्थिक सहयोग की मैं अपील करूँ। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।